हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल सिन्हा आप सभी के साथ मनीट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाएं और ऑब्वियसली कमा भी रहे होंगे। यहां पर हमारा जो मनीट्री चैनल है वो आपको अभी तक कैश मार्केट में यानी कि स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट टिप्स देता था, पैनी स्टॉक्स के बारे में सजेशंस रहते थे। बट नाउ वी हैव स्टार्टेड सम इंट्राडे कॉल्स एज वेल डे ट्रेडिंग के लिए, हमने BTST के लिए बहुत ही क्विक टाइम के लिए यानी कि एक दिन से लेकर पाँच दिन तक के बीच के लिए हम लोगों ने कुछ ग्रुप स्टार्ट किए हैं प्रीमियम चैनल्स। सो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आप लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे जो स्टॉक्स का यानी कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बॉट का लिंक दे दूंगा, मनीट्री प्रीमियम स्टॉक ट्रेडिंग। इस बॉट को आप जाएंगे, यहाँ पर आप प्लान्स को चेक करेंगे, यहाँ पर आपको प्लान्स नज़र आएंगे, वन मंथली, थ्री मंथली, सिक्स मंथली या फिर ईयरली, आप जो भी प्लान चूज़ करेंगे उस ड्यूरेशन के बीच में आपको कॉल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी। जो भी BTST रहेंगी, इंट्राडे कॉल्स रहेंगी, 1 to 5 days की कॉल्स रहेंगी, नहीं विद इन ए वीक की कॉल्स रहेंगी। मैं कुछ पोर्टफोलियो रिव्यूज़ अगर आप कराना चाहते हैं तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शंस के लिए भी हमने एक स्टार्ट किया जहाँ पर इंट्राडे ही ट्रेड होता है केवल ऑप्शन, और आपको जैकपॉट्स हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम दिलाते हैं। अभी यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शंस में आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके के लोगों को पैसा बनता है। तो ये आज देखेंगे, ये आज का ट्रेड है 3:24 पर 20,000 रुपये का। आज जो आज चूँकि मार्केट बहुत अच्छा नहीं था बट बावजूद उसके भी जो कॉल्स थी उसमें काफ़ी अच्छा पैसा अर्न किया लोगों ने, जो हमने कॉल्स दिए थे उनको फॉलो करते हुए, एसएल्स को फॉलो करते हुए, टेक प्रॉफिट को फॉलो करते हुए 20,000 रुपये का पैसा कमाया था। यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरीके से चार्ट फ्रेम भी आपको शेयर करते हैं। 7,280 रुपये का प्रॉफिट था, यहाँ पर 2,400 रुपये का बुक प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर 2,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 1,535 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और इस तरीके के हम लोग चीज़ आपको शेयर करते रहते हैं, मोटिवेट भी करते रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग 4,500 का प्रॉफिट है, 1,200 रुपये का, ये सारे इंट्राडे के प्रॉफिट्स हैं। 9,300 रुपये का प्रॉफिट है, 2,300 रुपये का प्रॉफिट है, एंड यहाँ पर अगर देखेंगे 9,076 रुपये का प्रॉफिट है। इसके अलावा 3,760 का प्रॉफिट है, 3,100 रुपये का प्रॉफिट है, 49,000 का प्रॉफिट है, दिस इज ऑल्सो एन इंट्राडे प्रॉफिट, एंड 550 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पर 5,200 रुपये का प्रॉफिट है, 2,100 रुपये का प्रॉफिट है, 1,397 रुपये का प्रॉफिट है, 2,262 रुपये का प्रॉफिट है, 28,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 872 रुपये का प्रॉफिट है, 2,370 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 21,438 का प्रॉफिट है। तो बड़े बड़े प्रॉफिट से 375 का छोटा भी प्रॉफिट है जो लोगों ने किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2,400, यहाँ पर बड़ा 30,600 रुपये, ये ऑल जितने भी हैं वो बड़े जैकपॉट जो प्रॉफिट बने हैं वो सारे इंट्राडे में बने हैं। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट अर्न किया हुआ है एक मेंबर ने, यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न की हुई है यहाँ पर 10,300 रुपये का। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो है लगभग 60,000 से ज़्यादा का, ये 12,500 रुपये एक ही दिन के अंदर, ये 8,000 देखिए 8,500, बहुत ईजी है, 20,600 रुपये का प्रॉफिट, 1,000 रुपये का प्रॉफिट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ये 27,750 का प्रॉफिट है, और इससे पहले एक और ट्रेड ली थी इसी मेंबर ने सेम डे के अंदर जो कि तकरीबन यहाँ पर ये देखिए 6,000 का प्रॉफिट है, जो कि तकरीबन 62,600 का प्रॉफिट था। तो 62,000 प्लस 28,000 यानी कि 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट एक सिंगल डे के अंदर कमाया है। और आपको मेंबरशिप फी कितनी देनी है, जो हम लोग प्लान्स रेज कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं और आप दे कितना रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करने वाली हैं कि आप क्या दे रहे हैं और आप क्या रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लान्स की तो दो प्लान्स हैं अभी फिलहाल, 599 फॉर 3 डेज के लिए ट्रायल पैक है, आप आइएगा, अगर आपको लगता है ठीक है कैरी करना है कीजिएगा, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। बट रिमेंबर वन थिंग कि शेयर मार्केट में अगर ऑप्शन ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ दिन आप चलेंगे, तकरीबन लगभग आप 1 महीने के लिए ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा स्टॉप लॉसेस के साथ, टेक प्रॉफिट लेवल के साथ, डेफिनेटली आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई यानी कि मैं आपको ऐड नहीं करूंगा कि 20% बढ़ गया 30%, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका मनी। ट्रायल पैक 599 का 3 दिन का, और वीकली का 1,099 का, बहुत ही सस्ते, मैंने इसीलिए कन्वीनियंट रखे ताकि हर कोई अवेल कर पाए। देखिए बड़ा मैं चार्जेस रख दूंगा तो लोग अवेल नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं कि मैं अपनी स्किल शेयरिंग नहीं कर पाऊँ, तो छोटे पैसे में लोगों के साथ मैं स्किल शेयरिंग कर पाऊँ, लोग भी प्रॉफिटेबिलिटी बना पाएँ और मेरे साथ कंटिन्यूटी भी रहे। तो वहाँ पर इसीलिए हमने छोटे पैक्स रखे हैं, 3 दिन का 599 का और 1 वीक का 1,099 का। तो आप भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप पैक पर क्लिक करेंगे, इस पैक पर क्लिक करने के बाद रोजर पे आता है, रोजर पे से आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रोजर पे पर लेके जाएगा, वहाँ पर आप पे करेंगे, एंड पे के बाद आपको यहाँ पर लिंक खुलेगा, आप इस लिंक को ओपन करने के बाद पेमेंट प्लान
पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को मेरे साथ भेज सकते हैं, और नहीं भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आता है, जैसे आप पे करते हैं तुरंत ही आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाता है और आप यहाँ UPI से, नेट बैंकिंग से, कार्ड से, वॉलेट से, किसी से पे कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होता है, उधर आपको सेम ग्रुप के अंदर ज्वाइनिंग लिंक आ जाता है नीचे, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ से फिर आपको कॉल्स को मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपका टाइम ड्यूरेशन एंड होगा, आपका जो एक्सेस होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आप रीपेमेंट करेंगे आपका एक्सेस दोबारा से चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो टोटल ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दिया है मैंने, जिससे कि मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा तो मैं उस टाइम में ज़्यादा स्टडी करके आप तक बेहतर सर्विसेज को दे सकता हूँ। तो ये तो बात आ गई कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसा कमाने के लिए, सीरियसली अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसा कमाने के लिए, तब आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको महीने के 10,000 रुपये किसी को पेमेंट करने एक बार में, भले ही वो 10,000 रुपये महीना आपको कमा पाए नहीं कमा पाए, आपको वन टाइम पेमेंट करना है, तो वो आपका विषय, आई विल नॉट स्टॉप यू। ओके, अच्छा अब ये चीज़ आ गई, तो हमने आपको दिखा दिया ग्रुप के अंदर। नाउ अभी हम बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक्स जो कि बजाज ग्रुप के हैं और बड़ा बॉटम सपोर्ट बना रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आने की उम्मीद है, और यहाँ से स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, और होपफुली कि ये दो स्टॉक्स, यानी कि ये दो स्टॉक्स जो बजाज ग्रुप के, ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाए। नंबर एक बजाज फिनजर्व, नंबर टू बजाज फिनांस, ये दो शेयर्स हैं। ऑलरेडी बजाज फिनजर्व लगभग 20,000 से लेकर लगभग 11,000 आ चुका है, 50% करेक्शन में आ चुका है, वहीं पर बजाज फिनजर्व भी, बजाज फिनांस भी हायर लेवल से चढ़ के अभी लगभग 5,600 रुपये के आसपास। तो बजाज, अगर हम फिनजर्व की बात करते हैं तो आप देखेंगे फिनजर्व में किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं, लोअर हाई का फॉर्मेशन, यहाँ पर जब पीछे यह रैली आया, पुल बैक आया और ये अपसाइड आया, और यहाँ पर देखिए लोअर हाइज़ के फॉर्मेशन हुए, लोअर हाइज़ के फॉर्मेशन बनने के बाद यह लोज भी टूट रहे हैं, और यहाँ पर स्टॉक काफ़ी टूट के नीचे आ गया। अब जब काफ़ी टूट के बाज़ार नीचे आ गया, तो अगर हम देखेंगे फिलहाल बाज़ार में मोमेंटम ट्रेड क्या कर रहा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट चैनल के अंदर, जो आप देखेंगे ये बहुत ही कॉम्पैक्ट चैनल था, जिस चैनल के अंदर ये जो स्टॉक है वो लगातार करेक्शन के मूड में, बहुत ही कॉम्पैक्ट चैनल था, लगातार बस एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, अभी आप देखेंगे जो अपर ट्रेंड लाइन है वही उसको ये फॉलो कर रहा है, उसको होल्ड ऑन कर रहा है। नाउ अब यहाँ से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद एक सर्टेन रेंज आ गई, ये एक अब एक साइडवेज मोमेंटम में स्टॉक चला गया। अब साइडवेज मोमेंटम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर लगभग 12,085-12,090, और नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो आपका लेवल है वो है 11,250 का। सो व्हाट यू विल डू, अगर 11,250 के आसपास आता है देन इट विल बी गुड बाय, आप एक बाइंग कर सकते हैं 50-70 पॉइंट के नीचे का एसएल रख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लगभग 100-120 पॉइंट का एसएल रखिएगा, और वो भी क्लोजिंग पे रखिएगा, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच जाए, ठीक है। बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी आपको खरीदने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे खरीदिएगा, एक एक दो दो तीन तीन चार चार शेयर्स को खरीदते रहिएगा, बाकी डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपके पास कितना फंड है, कितना आप लगा सकते हो, कितना आप रिस्क कैलकुलेट में ले सकते हो, कि भैया अगर आपने 500 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, अगर आप 10 शेयर खरीद रहे हैं तो मतलब 5,000 का रिस्क हो गया आपका, तो वो कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना नीचे है, उस हिसाब से क्वांटिटी परचेज कीजिएगा। अब यहाँ से ये जो साइडवेज मोमेंटम है, तो ये आपको एक बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बाई लो सेल हाई का अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि लगभग 12,085-12,090 के आसपास आता है, या 12,000 के आसपास भी आता है, आई विल सेल माई होल्डिंग एंड टेक प्रॉफिट, और उसके बाद अगर नीचे आता है देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रीबाई करूँगा। बट वॉट एल्स, अगर बजाज फिनजर 12,100-12,150 के ऊपर बंद हो जाता है देन डेफिनेटली आई विल गो विद द फ्रेश बाई, मैं फ्रेश बाई करूँगा, दोबारा बाई करूँगा, एंड स्टॉप लॉस मेरा रहेगा तकरीबन 11,900 का, तकरीबन 11,900 का रहेगा, 100-150 पॉइंट नीचे का रहेगा एसएल, ताकि फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो मेरा एसएल हिट हो गया, मेरे को मेरा कैपिटल सेव हो जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट अ बम्पर, अ बिग जैकपॉट रैली इन दिस काउंटर, यानी कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ले चुका है, अब यहाँ से करेक्शन का जो उम्मीद है अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये अब यहाँ से चूंकि ये जो साइडवेज मोमेंटम है ये ऊपर की तरफ निकल चुका है, सो होपफुली यहाँ से बजाज फिनजर्व के अंदर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, एक अच्छी रैली देखने को मिले। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 12,100 का, तो 12,100 क्रॉस करने के बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और प्रीवियस हाई जो रहेगा इससे पहले का
वो लगभग 13,250 के आसपास, 13,250 क्रॉस करने के बाद एक नया हाई बना देगा एंड देन स्टॉक विल बी इन द बुलिश फेज यानी स्ट्रॉन्ग फेज के अंदर। और ये सब कुछ होगा निफ्टी के साथ। निफ्टी इज ऑल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर, राइट? रिमेंबर वन थिंग, निफ्टी खुद मजबूत हो रहा है धीरे धीरे एक अच्छे मोमेंटम के लिए, एक अच्छी रैली के लिए। सो आप नज़र बना कर रखिएगा निफ्टी के मोमेंटम पर भी और जो अच्छे स्टॉक्स उनके मोमेंटम पर भी। तो ये तो बात हो गई बजाज फिनजर्व की, एक अच्छा चार्ट बन रहा है और एक अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, बॉटम बना रहा है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स नहीं है, केवल 11,250 नीचे के लेवल है। अगर वो आपको थोड़ा और डिप पे मिलता है तो एक एक शेयर करके खरीदते रहिएगा इसमें। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एक साइडवेज मोमेंटम तैयार हो रहा था ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है इस साइडवेज मोमेंटम को। याद है कि फॉल्स ब्रेकआउट किया, अंदर आ गया, अब ये जो इसका आई था इसको क्रॉस कर दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। नाउ द स्टॉप लॉस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5,450 के आसपास, 5,450 के आसपास का आपका एसएल बनना चाहिए। और जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जिनको लगता है कि भाई मैं 6 महीने रखूँगा, दे कैन पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 5,340 या 5,330 अप्रॉक्सीमेटली। तो 5,330 अगर आप एसएल रखेंगे तो आपको जो टारगेट्स मिलने वाले हैं फ्रॉम नाउ हियर ऑनवर्ड, वो आपको तकरीबन पहले टारगेट मिलेंगे लगभग 6,200 रुपये के। और 6,200 रुपये जब 6,200 का लेवल क्रॉस करेगा देन स्काई विल बी द लिमिट फॉर दिस काउंटर ऑल्सो, ठीक है? तो जो बजाज फिनजर्व और बजाज फिनांस है दोनों बहुत ही मजबूत नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ पर। देखिए अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, हालांकि ये फॉल्स या टूटा ये वापस रिकवरी कर रहा है, बट हियर द चांसेस आर वेरी गुड दैट कि स्टॉक विल गो बैक टू इट्स प्रीवियस हाई। बट यहाँ पर निफ्टी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है एंड 6,170, 6,180 विल बी द नेकलाइन ब्रेकआउट। अगर 6,180 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाता है देन डेफिनेटली आपको तकरीबन 7,000 तक के लेवल मिलेंगे, 6,800 से 7,000 तक के लेवल मिलेंगे आपको बजाज फाइनेंस के अंदर। तो ये बजाज फाइनेंस है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को। अब मैं ये कहूँगा कि आप इनको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को ऐड करना शुरू कर दीजिएगा, दो दो तीन शेयर हर गिरावट पर। अगर कुछ भी गिरावट आती है 2%, 3%, 1% जो भी गिरावट आती है, हर गिरावट पर एक एक दो दो शेयर को एक्युमुलेट कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े काउंटर से इनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही एक ना यू नो अलग ही बिजनेस है। जिस तरीके का ये लेके आए कि आप जाइए इंस्टेंट लोन, आप किसी भी शोरूम में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी भी शॉप कार के शोरूम में जाते हैं, बाइक के शोरूम में जाते हैं, इंस्टेंट लोन मिलता है कपल ऑफ मिनट्स के अंदर आपको, ठीक है? तो ये चीज़ जो है इनकी इनको आगे लेके जाती है, मतलब बॉटम टेल एंड तक पहुँच चुके हैं ये बंदे के। छोटे से छोटे बंदे को ये इमीडिएटली फाइनेंस करते हैं, दैट्स ए वेरी गुड थिंग फॉर दिस कंपनी एंड दिस स्टॉक। सो यहाँ पर बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनजर्व दोनों ही अमेजिंग काउंटर हैं। सो गेट रेडी फॉर द बिग ब्लास्ट, कीप एडिंग ऑन ईच एंड एवरी डिप। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे, BTST, 1 to 5 days नियर टर्म ट्रेडिंग के लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप बॉट को ज्वाइन कर सकते हैं, आप यू नो हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, 7217 1876 मेरा टेलीग्राम का नंबर है। और हमारी ओपन फोरम को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑप्शन की ओपन फोरम है, जहाँ पर मैं आपको बीच बीच में कॉल्स दूंगा, ट्रायल कॉल्स देता रहूँगा, जहाँ पर आपको अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो आप पैसा कमाइएगा ट्रायल कॉल में और हमारी मेंबरशिप को लीजिएगा, और उसके बाद फुल डे जैकपॉट्स को आप बनाते रहिए। 1,00,000 रुपये तक लोग बना रहे हैं दिन में, 20-25,000 रुपये बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों को हमारे साथ जुड़ने के बाद वो रेगुलरली आप यू नो 5,000 से लेकर 20,000, 25,000 तो जनरली बना लेते हैं। कभी जैकपॉट मिल जाती है तो 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 तक का प्रॉफिट भी बनता है। और यहाँ पर मैंने आपके साथ प्रीमियम मेंबरशिप बहुत ही यू नो लोअर बहुत ही कम प्राइस की रखी है, एंड होपफुली कि अगर आप चाहें, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ऑप्शंस के थ्रू, तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करेंगे। इंतज़ार रहेगा आपका हमारे ग्रुप में मनी ट्री प्रीमियम ऑप्शन जैकपॉट में। और 1 तारीख से हम लोग प्रीमियम ग्रुप में प्रीमियम जैकपॉट कॉल शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे इंडिविजुअली भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, 7217 1876 यही मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है। जल्दी मुलाकात करता हूँ अगले वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके, और टेलीग्राम के हमारे चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। थैंक यू सो मच।